Welcome to Science Pedagogics, Science Made Easier. Our today's topic is, how does soap cleans a dirty surface or an oily surface? So, let's start with what's the structure of soap first. So, soap actually a chemical hota hai and it is made up of combination of many chemicals.

सो सोडियम पोटाशियम स्टेरेट में एक्चुअली एक कार्बन की लॉन्ग टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है मतलब कि पानी से रिपेल करती है पानी को रिपेल करती है एंड देन देयर इज अ हाइड्रोफिलिक चेन जो कि पानी को अट्रैक्ट करती है दिस स्ट्रक्चर जस्टिफाइज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इज द क्लीनिंग एक्शन एंड हाउ डज इट क्लींस तो हमारे कपड़ों पे या किसी भी सरफेस पे अगर कोई स्टेन है या कोई डर्ट है तो यूजुअली वो ऑयल होता है एंड ऑयल इज हाइड्रोफोबिकस ये बात है जब हम ऑयल और वाटर को मिलाने की कोशिश करते हैं तो मिलते नहीं है वाई बिकॉज ऑयल वाटर को रिपेल करता है इट इज हाइड्रोफोबिक एंड हम पानी से धोते हैं कपड़ों को विच इज द टू मेजर कंपोनेंट्स जिनको ध्यान रख के सोप बनाई जाती है इज ऑयल एंड वाटर। अब सोप का एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक कार्बन का जो एंड होता है जब सोप से हम किसी सरफेस को क्लीन करते हैं तो ये हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो ऑयल या डर्ट के साथ अटैच होता है और जो दूसरा एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है हमने देखा वो वाटर के साथ अटैच होता है इसीलिए साबुन से किसी सरफेस को धोते हैं तो सिर्फ साबुन से काम नहीं चलता साबुन से पानी को जो है साथ में यूज करना होता है तभी जाके वो क्लीनिंग होती है सरफेस की नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि ऐसे छोटे-छोटे जो मॉलिक्यूल्स हमने देखे सोप वाटर और ऑयल के वो मिलके एक सर्कल सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे मिसल कहते हैं एंड इस मिसल प्रेजेंट होता है ऑयल एट दी सेंटर एंड वाटर एट दी पेरेफरी तो ऑयल होगा किसी भी मिसल में सबसे सेंटर में जब झाग बनते हैं तो उसे मिसल बोलते हैं वो डर्ट जो धुलती है झाग के साथ तो दैट इज नथिंग बट मिसल तो उस मिसल में बीच में होंगी डर्ट या ऑयल ड्रॉप उसके साथ अटैच होगा सोप का हाइड्रोफोबिक एंड फिर आएगा सोप का हाइड्रोफिलिक एंड जो कि वाटर लविंग है हाइड्रो मींस वाटर फिलिक मींस लविंग तो ये हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के साथ बाइंड करेगा इसीलिए हम जब कपड़े को सिर्फ पानी से धोते हैं तो गंदगी नहीं हटती है बट सोप सल्यूशन या डिटर्जेंट मिलाकर के धोते हैं तो वही गंदगी बहुत आसानी से हट जाती है क्यों क्योंकि सोप एक्ट करती है एज एन इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर क्योंकि ऑयल है हाइड्रोफोबिक वाटर से डरता है एंड वाटर है हाइड्रोफेलिक वाटर का लवर है तो इसीलिए सोप एक इन दोनों के बीच का कनेक्शन बनाती है और ऑयल और वाटर को आपस में सोल्यूबल कहती है और सोप के इसी एक्शन को सरफेक्टेंट एक्शन भी बोलते हैं सरफेक्टेंट मतलब जो सरफेस के बीच में एक्ट करे दो सरफेस के बीच में एक्ट करे तो यहाँ पे सोप एक सर्फेक्टेंट है जो कि ऑयल की सरफेस और वाटर की सरफेस के बीच में एक्ट कर रही है ताकि वो दोनों आपस में जो है डिसॉल्व हो सके तो सोप की क्लीनिंग प्रॉपर्टी बेसिकली होती है सोडियम पोटेशियम स्टेरेट के कारण जिनका होता है सर्फेक्टेंट एक्शन So, I hope you understood the video. Please like, share, and subscribe if you found it knowledgeable.